पर दर्शकों को बता दें छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जहां पर नक्सलियों ने यात्री बस में आगजनी कर दी है। आवापल्ली सुर मार्ग पर आगजनी की गई है। सीतापुर सीआरपीएफ कैंप के पास नक्सलियों की एक करतूत सामने आई है, जहां पर आगजनी की वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। हालांकि कोई हताहत नहीं हुई है, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। थाना प्रभारी ने जानकारी दी है, ये उसी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नक्सलियों ने एक यात्री बस को निशाना बनाया और यात्री बस में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद तत्काल पुलिस वहां पर पहुंचती है और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि पुलिस को देखकर नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। आवापल्ली उतूर मार्ग पर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर सीआरपीएफ कैंप के पास नक्सलियों ने एक करतूत की है। ज्यादा जानकारी के लिए बीजापुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन दुर्गम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रबंध, कौन थे नक्सली और क्या कुछ है पूरा मामला? जी आपको बता दें, आवापल्ली से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर और उतूर से 5 किलोमीटर पहले, इससे पहले भी तकरीबन 8 महीने पहले नक्सलियों ने उसी जगह पर यात्री बस को जो है वो आगजनी के हवाले कर दिया था। कि भी उसी तरीके से उस बस को आगजनी यात्री जो है वो वहां से निकल कर सुरक्षित चले गए हैं और जो चालक थे वो सीआरपीएफ कैंप में वापस आ गए हैं। लेकिन जब यात्री बस के पास जो बैकअप पार्टी पुलिस की बैकअप पार्टी पहुंची, उसी दौरान जिन्होंने वहां बैठे थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है कि अभी अब से कुछ देर तक लगातार फायरिंग चल रही थी। अब तक 5 किलोमीटर दूर जो गांव है उतूर, वहां तक फायरिंग की जो आवाज है वो सुनी जा रही है। और इस तरीके से मुठभेड़ जो है वो अभी तक वहां पर लगातार जारी है। सोची समझी साजिश के तहत माओवादियों ने जो है वहां यात्री बस में आग लगाई है, उसके बाद पुलिस पार्टी के वहां आने का इंतजार किया, उसके बाद फिर पुलिस पार्टी पर उन्होंने हमला किया है। अभी क्या कुछ परिस्थितियां हैं, कैसी है, क्या हालात है, कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके की कैजुअलिटीज, उसकी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। जो पुलिस के आला अधिकारी उनसे हमने बात करी थी, वो मुठभेड़ की बात तो नकार जरूर रहे हैं, लेकिन जो ग्रामवासी हैं, जो आवाज सुन रहे हैं, वो उनका साफ तौर पर कहना है कि वहां मुठभेड़ चल रही है। लेकिन जो यात्री हैं वो सब सुरक्षित चले गए वहां से, और जो चालक वो सीआरपीएफ कैंप से आते हैं वो भी अभी सुरक्षित है। जी निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया भवन, आगे भी हम आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बीजापुर में नक्सलियों ने एक यात्री बस को निशाना बनाया है, हालांकि पुलिस वहां पर पहुंची और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, कोई हताहत नहीं हुई है। और बड़ी खबर यह है कि नक्सलियों के बीच और पुलिस के जवानों के बीच मुठभेड़ अभी भी वहां पर जारी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 82